मानवी शर्मा 18 वर्षीय कवित्री, समाज सेवी एवं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा। आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं आपदा के बाद की स्थिति के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरीके से अवगत हैं, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि इस स्थिति में जहाँ बहुत से लोग प्रॉपर्टी लेस हो चुके हैं, बहुत से लोगों के घर बाढ़ के कारण नहीं रहे, बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस समय पे हम आगे आएं। सरकारें और प्रशासन बहुत प्रयास कर रहा है, तो ये वक्त है हम सभी का कि हम सभी इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। मैं चाहती हूँ कि हम जो भी योग्य व्यक्ति हैं वो सभी कुछ राहत कोष के लिए, सीएम राहत कोष के लिए, सीएम रिलीफ फंड के लिए जितने भी योग्य व्यक्ति हैं वो मैक्सिमम जितना हो सके, कम से कम जितना भी हो सके उतना फंड जो है वो अपने जिला के, अपने प्रदेश के भाइयों और बहनों को दे। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने मेरी 12वीं का जो नतीजा था, परिणाम था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे थे, जिसके कारण मुझे वजीफ़ा लगा है और इसी महीने मुझे मेरा पहला वजीफ़ा आया है। तो उसमें से, उस पैसे से मैंने पहली राशि 3100 रुपये की पहली राशि जो है वो सीएम राहत कोष को दी, और मैंने जो पैसा मुझे सरकार से ही आया था उस पैसे को मैंने अपने ज़िले के, अपने प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों की सेवा में लगाया। मैं चाहती हूँ कि जितने भी योग्य व्यक्ति हैं वो सभी आगे आएं, इस इम्तिहान की घड़ी में हम सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें, और ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो स्थिति है वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। और मैं इस के माध्यम से अपने माता, अपने पिताजी, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे गाँववासी और जितने भी लोग मुझसे परिचित हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं एवं मेरे ज़िले के, मेरे प्रदेश के भाइयों और बहनों से मैं हाथ जोड़कर ये आग्रह करना चाहूँगी कि वो भी आगे आएं, इस मुश्किल घड़ी में सरकार एवं प्रशासन का सहयोग दें, और कुछ पैसे जो हैं जितना हो सके, कम से कम जितना भी पैसा आप दे सकते हैं उतना अपने भाइयों और बहनों के लिए दें। धन्यवाद।